Now student, अब मैं आपको example बताता हूँ. The example is this: a tower stand vertically on the ground. एक tower है जो ground पर vertically stand करता है. तो you can see the tower. From a point on the ground, ground पे एक point पर, यानी ground पर आप point देख सकते हैं. This is the point. इस point से, which is 15 meter away from the foot of the tower, जो tower के foot से 15 meter away है. तो you can see the distance. This is the 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. यानी उस angle of elevation top of the tower से उस point का 60 degree है. Find the height of the tower. आपको height of the tower बतानी है student. तो सी प्रॉब्लम हम किस तरह से करते हैं. फर्स्ट मैं इस पूरी प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म कर लूंगा एक राइट ट्रायंगल में. तो ये राइट ट्रायंगल में मैंने ट्रांसफॉर्म कर ली, वेयर ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर एंड बी सी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड टू फुट ऑफ द टावर. यानी टावर के फुट से उस पॉइंट के बीच की दूरी 15 मीटर. और मैंने टावर के फुट को बी लिया है और उस पॉइंट को सी लिया है. सी इन ट्रायंगल एबीसी, एबी इज द हाइट ऑफ द टावर, सीबी इज द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ग्राउंड सी. लाइक हाइट ऑफ द टावर में स्टूडेंट यहां पर मैं एच एज्यूम कर लेता हूं. हाइट ऑफ द टावर को एच एज्यूम करता हूं, तो वो मैंने एच वहां पर लिख दिया है. एंड 60 डिग्री नथिंग बट एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ स्टूडेंट अब आप देखिए, आपको यहां पर हाइट निकालनी है और यहां पर बेस दे रखा है. ये बेस हुआ ना 60 डिग्री के अकॉर्डिंग स्टूडेंट. ये आपका यहां पर अगर आप देखें तो दिस विल फॉर्म योर परपेंडिकुलर. ये आपका परपेंडिकुलर का काम करेगा. और जबकि ये जो BC है इस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग बेस का काम करेगा. एडजेसेंट साइड है, साइड ये क्या है हमारी अपोजिट साइड, क्योंकि 90 डिग्री वाला एंगल तो ये हमारा है यहां पर. तो स्टूडेंट अब आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस को इन्वॉल्व करना है. तो परपेंडिकुलर और बेस को ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो इन्वॉल्व करता है, वो है 10 एंड कॉट बी. तो यहाँ पे मैंने 10 ले लिया, क्योंकि 10 थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो मैंने 10 लिया. सो 10 यहाँ थीटा कितना है, 60 डिग्री. सो 10 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर ए बी. ए बी इज द परपेंडिकुलर एंड बी सी और सी बी इज द बेस. नाउ 10 60 डिग्री की स्टूडेंट आपको पता है रूट 3 वैल्यू होती है एंड सी बी हमें 15 दे रखा है. नाउ एच अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो एच इज इक्वल टू 15 रूट 3. सो ये हमारा हाइट आ गई है. हाइट ऑफ द टावर इज 15 रूट 3 मीटर. इस तरीके से आपने हाइट ऑफ द टावर निकाल ली. अब चाहे तो इस टावर के टॉप से और उस पॉइंट के बीच की दूरी भी निकाल सकते हैं. यानी हाइपोटेन्यूस हुआ वो भी निकाल सकते हैं. तो उसके लिए आपको हाइपोटेन्यूस और बेस को इन्वॉल्व करना होगा. कॉट ले सकते हैं, कॉट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है. या आपको परपेंडिकुलर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, साइन को इन्वॉल्व करके आप निकाल सकते हैं उससे भी. नाउ सी अनदर एग्जाम्पल.